मेरा नाम है वेदसिरा त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। इस हेड से रिलेटेड और इससे भी पहले मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी और उससे पहले के चैप्टर्स मैं इनकम टैक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वो वीडियोज़ भी आप बाद में जा करके देख सकते हैं, जहाँ पर इनकम टैक्स को मैंने उसकी हिस्ट्री से लेकर फिर एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। इस समय जो हेड हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट और इस हेड से रिलेटेड भी ग्रेचुटी, पेंशन और लीव इनकैशमेंट ऑफ सैलरी के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ही लिंक दिया हुआ है, इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22, जिसमें ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो उनको आप देख सकते हैं। आज रिटायरमेंट में चार नंबर पर हमको पढ़ना है रिट्रेंचमेंट क्या होता है और कैसे इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज से देखते हैं रिट्रेंचमेंट क्या होता है, इसका सेक्शन है 10-10B। रिट्रेंचमेंट इसको हिंदी में कहा जाता है छटनी, जब किसी कर्मचारी को उसके रोजगार से अलग कर दिया जाता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है रिट्रेंचमेंट। वह भी अलग किया जाता है, वह भी समय से पूर्व, जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट से पहले ही उसकी सेवाओं को समाप्त करके उसे अलग कर दिया गया। तो इसके ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लागू होता है और उसकी ही रूलिंग इसके ऊपर लागू होती है पूरी। आपके सिलेबस में भी ये पूरी किताब ही है, एक इंडस्ट्रियल लॉ औद्योगिक संनियम, और उस औद्योगिक संनियम में एक अलग से आप एक्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो उसके तहत जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को उसके सेवाओं की अवधि पूरी होने से पहले ही उसे सेवा से अलग कर देगा तो इस दशा में उसे अपने एम्प्लॉई को एक अतिरिक्त पेमेंट करना पड़ेगा और वो पेमेंट जो होगा उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम रिट्रेंचमेंट, अर्थात छटनी से आए ये इनकम जो मुझे हो रही है ये क्यों हो रही है, रिट्रेंचमेंट से हो रही है। अब देखो सेवा से अलग भी किया जा रहा है तो इसका मतलब हो गया रिटायरमेंट, तो इस वजह से ये रिटायरमेंट का पार्ट बनता है, अदरवाइज ये इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाना चाहिए था, तो वहाँ नहीं जाता है, ये यहीं रहता है। अब बात आती है कि इसके ऊपर टैक्स लगाने का नियम क्या है। हमको तो बेसिकली बात करनी है कि अगर किसी एम्प्लॉई को रिट्रेंचमेंट का पैसा मिल रहा है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगा लिया जाए और कितना उसको छोड़ दिया जाए, बस यही हमें समझना है यहाँ पर। तो आइए बात करते हैं। देखिए रिट्रेंचमेंट का पैसा किसी भी एम्प्लॉई को मिल रहा हो उसके लिए नियम एक जैसे हैं, उसका कैलकुलेशन किया जाएगा और उस कैलकुलेशन के तहत जो सबसे कम राशि होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी जितना बचेगा वो कर योग्य हो जाएगा। नियम क्या है तो देखिए यहाँ जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात करें बेसिक्स, इसका मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा। मीनिंग ऑफ सैलरी, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में हम बहुत कुछ कहें, इससे बेहतर है सीधा ऐसा कहें एवरीथिंग, सब कुछ आएगा, क्या नहीं आएगा तो एक्सक्लूडिंग फर्स्ट पॉइंट ग्रेचुटी नहीं आएगी यहां पर, नंबर दो कंट्रीब्यूशन टू RPF और नंबर तीन बोनस। इन तीन वैल्यूज को छोड़ करके बाकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जो कुछ भी मिलता है कि एम्प्लॉई को वो सब कुछ यहाँ पर रिट्रेंचमेंट के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ में वो सब कुछ यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी में इसका इन तीन वैल्यूज को छोड़कर बाकी जितना कुछ मिलता है एम्प्लॉई को वो सब कुछ रिट्रेंचमेंट के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी का पार्ट बनेगा। अर्थात क्या क्या आएगा तो बेसिक सैलरी आएगी, सारे अलाउंसेस आएंगे, सारी परक्विजिट्स आएंगी, उसको जितनी भी कंसेशनल वैल्यूज प्रोवाइड की जा रही है वो सब कुछ आएगा, सब कुछ जोड़ जाड़ के ही बनेगी भैया मीनिंग ऑफ सैलरी। बस नहीं आएंगी तो ये तीन वैल्यूज नहीं आएंगी, ग्रेचुटी नहीं आएगी, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या कह लें प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा और बोनस, ये तीन वैल्यू नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ आएगा। ओके चलिए जब हम लोग इतना कर लेंगे तो उसके बाद में फिर आएगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग
विल बी एग्जेम्प्ट। कौन कौन? नंबर एक, नंबर एक एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और नंबर दो 15 डेज सैलरी, डेज सैलरी। कैसे? बेसिस ऑफ लास्ट 3 मंथ सैलरी और बेसिस ऑफ लास्ट 4 वीक्स सैलरी और बेसिस ऑफ लास्ट 12 डेज सैलरी। इसका क्या मतलब सर? तीन बार लिखा आपने। देखिए, हो सकता है एम्प्लॉई को मंथली सैलरी मिलती हो। अगर मंथली सैलरी मिल रही थी तो रिट्रेंचमेंट होने से ठीक पूर्व के 3 महीने का वेतन लेंगे और उस 3 महीने के वेतन के आधार पर उसका औसत निकाला जाएगा। हो सकता है वीकली पेमेंट मिल रहा हो, साप्ताहिक भुगतान किया जा रहा हो। अगर साप्ताहिक भुगतान किया जा रहा होगा तो अंतिम 4 सप्ताह के वेतन के आधार पर यह गणना करी जाएगी। हो सकता है डेली पेमेंट किया जा रहा हो। अगर डेली पेमेंट किया जा रहा है तो अंतिम 12 दिन के वेतन के आधार पर उसके सैलरी का 15 डेज सैलरी निकाला जाएगा, अर्थात अंतिम 12 दिन का वेतन निकाल लेंगे, औसत करेंगे उसका, लास्ट 12 डेज का सैलरी लेंगे, उसका एवरेज कर देंगे, मतलब 12 से डिवाइड करके उसका एवरेज कर देंगे और फिर इंटू 15/30 करके उसका एवरेज ले लेंगे, वो यहाँ पर 15 डेज सैलरी होगी। इंटू, अब यहाँ पर क्या आएगा? कंप्लीट सर्विस ईयर एंड पार्ट दे अराउंड, कंप्लीट सर्विस ईयर एंड पार्ट देयर ऑन। बिल्कुल वही जो ग्रेच्युटी में आपको बताया था। मान लो किसी इंप्लॉई ने 20 वर्ष 8 महीने सेवा करी और फिर उसका रिटेंजमेंट कर दिया गया, तो इस 8 महीने को एक वर्ष मान लिया जाएगा और 21 वर्ष की हम लोग कल बात करेंगे। फिर किसी इंप्लॉई ने 20 वर्ष 4 महीना काम किया तो 4 महीने को छोड़ दिया जाएगा, 20 वर्ष माना जाएगा। पार्ट देयर ऑन का मतलब है 6 या इससे अधिक माह की अवधि को एक वर्ष मान लिया जाएगा। बात क्लियर है? और फिर आता है यहां पर नंबर 3 और लास्ट पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट बराबर 5 लाख। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसकी उसे छूट मिल जाएगी और बाकी जो बचेगा उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई आपको? चलिए एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग सेट करते हैं, यहां पर देखिए इसको सेट करते हैं। उसका सैलरी मान रहे हैं हम लोग, सैलरी है 70,000 रुपये पर मंथ, DA अंडर सर्विस कंडीशन ये है 10,000 रुपये पर मंथ, बस इतना ही मान रहे हैं। इसने इसका सर्विस पीरियड जो है वो है 20 वर्ष, 20 ईयर्स। ओके, तो देखिए इतना ही हमको चाहिए होगा। अब कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी? तो भैया हम लोग सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी में आएंगे, और चूंकि मंथली सैलरी मिल रही है इसलिए 3 महीने की सैलरी कैलकुलेट करेंगे, है ना, उसके आधार पर फिर उसका औसत निकालेंगे। तो इसकी जब सैलरी की बात करेंगे हम लोग तो इनकी सैलरी 70,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये, 80,000 रुपये इनकी सैलरी बनेगी। ठीक है, इनकी सैलरी क्या होगी? 80,000 रुपये होगी एक महीने की, 3 से मल्टीप्लाई दे दो, 240,000 रुपये सैलरी इनकी हो जाएगी 3 महीने की, और औसत इसको 3 से डिवाइड कर दो तो फिर से 80,000 रुपये सैलरी आ जाएगी इनकी एक महीने की, एवरेज सैलरी ये आ जाएगी। जब एवरेज सैलरी ये हो जाएगी तो 15 डेज सैलरी कितनी आएगी? यहाँ देखो 15 डेज सैलरी बराबर 80,000 × 15/30 बराबर 40,000। अब आइए यहाँ पर,
एक्चुअल अमाउंट मैंने लिखा ही नहीं है, एक्चुअल अमाउंट भी मान लेते हैं, एक्चुअल अमाउंट इनको जो मिला हुआ है रिट्रेंचमेंट का वो है 6 लाख रुपए, इनको रिट्रेंचमेंट का कितना मिला, 6 लाख रुपए मिला हुआ है। तो देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 6 लाख रुपए। दूसरा पॉइंट, 15 डेज सैलरी इंटू कंप्लीट सर्विस ईयर एंड पार्ट देयर ऑन, तो 15 डेज सैलरी इनकी कितनी है, 40,000 इंटू कंप्लीट सर्विस ईयर इनका कितना है, 20 ईयर, तो भैया 4 × 2 = 8, 8 लाख रुपए इनका ये वैल्यू हो गया। तीसरा यहां पर है ही है वैल्यू इनकी, 5 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट होता है। तीनों में आपको सबसे कम कौन लग रहा है, तीनों में सबसे कम कौन, ये 5 लाख रुपए ही सबसे कम है, तो इनके लिए एग्जेम्प्ट लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट अमाउंट बराबर 5 लाख और टैक्सेबल 6 लाख मिला था। हमेशा सब कहीं चाहे जहां कहीं पर भी हो आप, जो एक्चुअल अमाउंट मिलता है उसमें से ही एग्जेम्प्ट लिमिट माइनस करते हैं, जो बचता है वो टैक्सेबल होता है, तो 1 लाख रुपए इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा रिट्रेंचमेंट का पैसा। बात आपको क्लियर हो गई होगी संभवतः। हम लोग जब आगे अपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेशन में चलेंगे तब इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पर, जिसमें रिट्रेंचमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। वैसे यहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब भैया है इतना ही, इससे आगे रिट्रेंचमेंट में कुछ है नहीं। रिट्रेंचमेंट के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी में सब कुछ आता है, बस ग्रेच्युटी नहीं आती, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड नहीं आता और आपका बोनस नहीं आता है। उसके बाद में उसके जो नियम होते हैं वो 3 पॉइंट होते हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एग्जेम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, पहला पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा पॉइंट होता है 15 डेज सैलरी इनटू कंप्लीट सर्विस ईयर एंड पार्ट देयर ऑन। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 3 तरीके से चलता है, देखो 3, 4, 12, मतलब 4 × 3 = 12, अगर मंथ की बात होगी तो 3, सप्ताह की बात होगी तो 4 और दिन की बात होगी तो 12, उसके आधार पर ही इसका 15 डेज सैलरी कैलकुलेट किया जाता है। और इसकी एग्जेम्प्ट लिमिट बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, रिट्रेंचमेंट की एग्जेम्प्ट लिमिट होती है 5 लाख रुपए। तो उम्मीद है ये कंडीशन आपको बेहतर समझ में आ गई होगी, जैसा भी समझे हैं अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाया करें, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।